प्राणियों के नाम पूछे तो जवाब में शायद वो शेर, चीता, हाथी, भालू, मोर, हिरण जैसे कुछ जाने पहचाने और रंग बिरंगे जानवरों के नाम ही लेगा। लेकिन सही मायने में वन्य संपदा केवल यही नहीं है। आमतौर पे ये समझा जाता है कि वन्य संपदा केवल कुछ सुंदर और रंग बिरंगे वन तथा जानवरों के आवास ही हैं। लेकिन वास्तव में वन्य संपदा में जीवन के वे तमाम रूप सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव बस्तियों से दूर रहते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव की रुचि वन्य प्राणियों में रही है। पहले वो भोजन और उनकी खाल से तन ढकने के लिए उनका शिकार करता था। कभी कभी कुछ जानवरों का शिकार तो केवल खेल अथवा रोमांच के लिए भी किया जाता था। औद्योगिकीकरण एवं जनसंख्या विस्फोट के कारण जंतुओं के प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप हर वर्ष हजारों प्राणियों की क्षति हो रही है। पिछले 2-3 दशकों से यह महसूस किया जाता रहा है कि पृथ्वी अपने जैविक स्वरूप को खोती जा रही है। प्राणियों के विनाश की गति इस हद तक बढ़ गई है कि वर्तमान में हजारों प्राणियों की प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अकेले भारत में ही स्तनधारियों की 71, पक्षियों की 47 और सरीसृपों की 15 से अधिक प्रजातियां विनाश के कगार पर हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इस विनाशक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कार्य योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि संरक्षण की आवश्यकता क्या है, इनका मानव के लिए क्या महत्व है। वन्य जीव संरक्षण का मुद्दा आज अधिक महत्व का है। इसका कारण है इनका पारिस्थितिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक और कृषि संबंधी महत्व। यदि तार्किक ढंग से सोचा जाए तो प्राणियों की कोई भी प्रजाति अनावश्यक नहीं होती। सबका अपना विशिष्ट महत्व होता है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। प्रत्यक्ष न सही पर परोक्ष रूप से तो वो महत्वपूर्ण होगी ही। पृथ्वी पर सभी जीवों की उपस्थिति प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। खाद्य श्रृंखला द्वारा इन प्रजातियों के बीच एक नाजुक सा अंतर संबंध स्थापित रहता है। किसी भी प्रजाति का विलुप्त होना पूरे पारिस्थितिक तंत्र को अव्यवस्थित कर देता है और कभी कभी तो ये कई बड़ी विपत्तियों का कारण भी बन जाता है। भारत में समय समय पर गांव के लोगों और मवेशियों पर चीते के हमले की खबरें मिलती रहती हैं। केवल कुमाऊं जिले में ही 1991-92 के दौरान तेंदुए द्वारा पालतू जानवरों पर आक्रमण के 100 से अधिक मामले प्रकाश में आए। वास्तव में ये जंगलों में हिरण और चीतों की जनसंख्या में असंतुलन का परिणाम है। वहां पर चीतों को पर्याप्त मात्रा में हिरण नहीं मिलते। इन सबके परिणाम स्वरूप चीते मानव बस्तियों और पालतू जानवरों पर हमले करते हैं। अधिक संख्या में मांसाहारी जंतुओं को मारने से शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ी थी और शाकाहारी प्राणियों की बढ़ी हुई तादाद जंगली वनस्पतियों और हमारी फसलों को प्रभावित करेगी। इसलिए सभी वन्य प्राणियों का संरक्षण एक संतुलित और सुंदर पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यावश्यक है। वन्य प्राणियों का मांस और शरीर के अन्य अंगों के लिए शिकार करना तो सदियों पुरानी बात है। कृषि युग से पहले मानव भोजन के लिए जानवरों पर ही निर्भर करता था। जंगली मुर्गे और भैंसे आज के पालतू मुर्गों और भैंसों के पूर्वज थे। मेंढक, सांप, बिच्छू आदि तो चीन में भोजन के रूप में प्रयुक्त होते थे। लगभग सभी जंगली पक्षी भोजन का पर्याय माने जाते हैं। भोजन की बढ़ती मांग को देखते हुए वन्य प्राणी
प्रोटीन का पर्याय बन सकते हैं, बशर्ते इन्हें अधिक मात्रा में बढ़ने दें और नियंत्रित रूप से शिकार करें। इनके दूसरे लाभ भी हैं, जैसे सांपों, घड़ियालों, बंदरों, हिरण, खरगोशों एवं लोमड़ियों की खाल तथा गैंडे के सींग, बारहसिंगे के सींग, कस्तूरी मृग की कस्तूरी, हाथी के दांत, ये सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुएं। चीते की चर्बी तथा हड्डियां और सांपों का विष, इनका भी अपना महत्व है। जैव वैज्ञानिक अध्ययन वन्य जीवों के बिना हो ये संभव नहीं। अधिकतर जैविक अनुसंधान में चूहे, सुअर, कुत्ते, खरगोश, पक्षी एवं बंदरों का उपयोग प्रयोगात्मक नमूनों के रूप में होता है। कुछ नई शल्य क्रियाएं पहले जानवरों पर ही की जाती हैं। जंगली जंतुओं पर व्यावहारिक विज्ञान के अध्ययन ने कई बड़ी खोजों में सहायता की है। कुछ जंतु तो वैज्ञानिक उपकरणों की भांति काम आते हैं, जैसे सुअर, घोड़े, सांप और कुत्ते भूकंप सूचक के रूप में काम आते हैं। वन्य जीवों ने हमेशा ही प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि की है। प्रचुर जंतु वर्ग किसी विशेष आवासीय क्षेत्र के स्वास्थ्य तथा उसके जीवों को पालने की क्षमता के सूचक होते हैं। वन्य जंतुओं के सुंदर रंग, ऐश्वर्यपूर्ण रूप, कर्णप्रिय ध्वनि और अनोखे क्रियाकलाप न सिर्फ बच्चों को अपितु बड़ों को भी आकर्षित करते हैं। भारत अपने विस्तृत वन क्षेत्र एवं प्रचुर वन्य जीवों के कारण वन्य जीवन पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। नीति के अनुसार सभी जीवों को जीने का समान हक है, ये अवधारणा बौद्ध और जैन धर्मों सहित लगभग सभी धर्मों का मुख्य आधार है। यहाँ तक कि कुछ प्राणियों का संबंध तो देवी देवताओं तक से माना गया है। उदाहरण के तौर पर सर्प भगवान शिव और विष्णु से संबंधित है, तो माँ दुर्गा की सवारी शेर है। हंस का संबंध विद्या की देवी सरस्वती से है। मोर यदि कार्तिक की सवारी है तो चूहा भगवान गणेश की सवारी। इसके अतिरिक्त चारों वेदों में 30 से अधिक स्तनधारी जीवों का उल्लेख है। ज्योतिष विज्ञान में भी भेड़, शेर और मछली का उल्लेख है। भारत में वन्य जीव संरक्षण की परंपरा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों एवं मिट्टी के बर्तनों पर जानवरों के प्रतीक अंकित हैं। मानव गतिविधियां भी जंतुओं के व्यवहारों के सदृश होती है, जैसे मातृत्व, श्रम विभाजन, भूमि प्रेम और शिकारी कुशलताएं आदि। कुछ वन्य जीव खेलों, सर्कस तथा फिल्म उद्योग में भी प्रयुक्त होते हैं। कृषि में केंचुओं का महत्व तो जग जाहिर ही है। इसके अतिरिक्त मृदा की उर्वरता को संरक्षित कर वन्य जीव निरपेक्ष रूप से मिट्टी को समृद्ध बनाने में सहायता करते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव प्राकृतिक अपघटक का कार्य करते हैं। कुछ बड़े जानवरों का मलमूत्र उर्वरक के रूप में कार्य करता है। कुछ जंतु कृषि में लगने वाली महामारियों को रोकने में भी सहायक होते हैं। जैसे आम तौर पर देखा जाता है कि बड़े बड़े सांप चूहों को खा जाते हैं। दक्षिण भारत के चाय के बागान काफी घाटे में चल रहे थे, क्योंकि चूहे चाय के पौधों की जड़ों को कुतर कर खा जाते थे, जिससे पौधा सूख कर मर जाता था। सर्पों के सही उपयोग से
आज इस समस्या से निजात पा ली गई है। इसी प्रकार पक्षी, सरीसृप और उभयचर जीव भी कीड़ों को नियंत्रित करते हैं। कई कीड़े, पक्षी तथा अन्य जीव परागण एवं बीजों को बिखेरने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन मूल्यों के अलावा भी वन्य जीव कई प्रकार से लाभदायी होते हैं। जैसे कुछ जीव पाठ्य सामग्रियों के रूप में काम आते हैं, कुछ जीव व्यर्थ पदार्थों का पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकलिंग कर प्रदूषण को नियंत्रित रखते हैं। इसके अलावा ये जीनों की विभिन्नता को भी बरकरार रखते हैं। यदि प्रमाणिक तथ्यों का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि पृथ्वी पर सभी वन्य जीवों की उपस्थिति प्रत्येक जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यदि वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के बढ़ते जा रहे अंधाधुंध विनाश को जल्दी ही न रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब मानव जाति अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ पाएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज जरूरत सिर्फ इस समस्या पर विचार करने या गोष्ठियां आयोजित करने की नहीं है, बल्कि उन तमाम प्रभावी तरीकों और उपायों को अमली जामा पहनाने की है जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण का निर्माण कर उनके सुनहरे भविष्य का दरवाजा खोल सके।